हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल पायल्स ब्यूटी व्लॉग। आज मैं एक मेले में जा रही हूँ जो कि चल रहा है टाउन इको पार्क में, जो मेरे घर से काफी करीब है। इस मेले में मेनली हैंडक्राफ्टेड चीजें ही मिलता है। ये 18 दिसंबर तक चलेगा, दोपहर 1 बजे से शाम को 8:30 बजे तक। बहुत सारे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से लोग हैंडमेड प्रोडक्ट्स लेके यहाँ पे आए हैं। सब यहाँ पे पेंटिंग कर रहे हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर, आप देख सकते हो। और ये एक स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पे, हैंड स्टिच्ड ड्रेसेस, ड्रेस मटेरियल्स, कुर्तीज और साड़ीज मिल रहा है। बहुत ही खूबसूरत काम किया हुआ है सारे साड़ीज और कुर्तीज के ऊपर। आप ये सारे कुर्तीज देख सकते हो कितने खूबसूरत है। और सारे ही डिफरेंट डिजाइन्स में है और हैंड वर्क किया हुआ है। मैंने एक कफ्तान ले लिया है यहाँ से। ये सारे हैंडमेड जूट मैट्स है, मेरी मम्मी को बहुत अच्छा लग गया था तो वो देख रही थी, उन्होंने लिया भी है इस तरीके का मैट। ये सारे जूट से बने हुए हैं। फिर यहाँ पे एक स्टॉल लगा हुआ था ज्वेलरी का, जो बहुत सुंदर सुंदर हैंडमेड ज्वेलरी था। मुझे ये वाला बहुत अच्छा लग गया था तो मैंने ये वाला ले लिया है। और बहुत सारे यहाँ पे क्रिस्टल्स और बीड्स का वर्क किया हुआ हैंडमेड बैग्स मिल रहे थे। ये सारे ही बैग बहुत खूबसूरत थे और शादी अटेंड करने के लिए ये सारे बैग आप आराम से यूज़ कर सकते हो, बहुत खूबसूरत है। और फिर ये सारे होम डेकोर प्रोडक्ट्स मिल रहा था वहाँ पे। और इस मेले में मैंने नोटिस किया कि होम डेकोर प्रोडक्ट्स सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पे पाम लीव्स के बने हुए कुछ ज्वेलरीज मिल रहा था जो बहुत यूनिक था। और सारे ही होम डेकोर प्रोडक्ट्स आप देख सकते हो कि होम डेकोर प्रोडक्ट्स का स्टॉक कितना ज़्यादा है, कितना सारा प्रोडक्ट्स यहाँ पे सिर्फ होम डेकोर करने के लिए ही है और डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स हैं। फिर यहाँ पे अम्ब्रेला मिल रहा था स्टिच वर्क किया हुआ, तो वो मैंने लिया है। फिर यहाँ पे कंचनजंगा से कुछ लोग आए थे विंटर कलेक्शन से लेके, तो बहुत अच्छे अच्छे विंटर वेयर मिल रहा था तो मैंने ये वाला स्वेटर ले लिया। एक बहुत प्यारी सी आंटी थी यहाँ पे जो मुझे बहुत सारे स्वेटर्स दिखा रही थी, पर फाइनली मुझे वो ग्रीन वाला ही अच्छा लगा तो मैंने वो लिया। फिर यहाँ पे हैंड पेंटेड कुछ अम्ब्रेला मिल रहा था। और आगे गई तो वहाँ पे सिर्फ डिफरेंट टाइप के फूड मिल रहे थे, बहुत सारे स्टॉल्स थे फूड्स के, तो कुछ खाना खाया, कुछ शॉपिंग किया और फिर घर चली आई। तो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आप लोग चाहो तो आ सकते हो, बहुत अच्छा कलेक्शन है।